Good morning, students. So today we are going to learn a new drawing and the subject is scrapping technique. Hello everyone, are you ready for our next drawing? Okay, so our next drawing is scrapping technique. So हमें किस तरह से स्क्रैपिंग करके एंड देन हमें ये ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करना है वो टेक्निक मैं आपको आज यहाँ पर बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपकी कलरिंग बुक में आपके लिए ये ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट की हुई है, लाइक बनी हुई है, ड्रॉ की हुई है. आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मैं टेक्निक आपको बताऊंगी कलरिंग करने की वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है. मैं जैसे जैसे बता रही हूँ वो पूरा आपको अच्छे से देखना है और समझ के फिर आपको स्टार्ट करना है आपके ड्राइंग बुक्स में. एंड सेम यही वाली ड्राइंग आप प्लेन बुक में भी ड्रॉ करेंगे, वहां पे कंप्लीटली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा. और फिर आप इस टेक्निक को जो कि स्क्रैपिंग टेक्निक है वो आप वहां पे फिनिश करेंगे यहां पर वीडियो के थ्रू सीख के. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर ये थोड़ी सी हल्की इनकम्प्लीट है ये ड्राइंग, सो वो कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है ये एक लाइन फॉर्म हुई है, तो वो हम सिंपल बिल्कुल लाइट पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन जो है बाहर के एरिया में फॉर्म कर देंगे इस तरह से. एंड इसके बाद जो वास है फ्लावर वास उसमें हम ये देखिए डायमंड शेप बोलेंगे आप इसको. ओके, वो आप इस तरह से इसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे. और फिर ये यहां से अगर आप हाथ से कर सकते हो तो भी अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो भी आप स्केल से जो है इसमें ये लाइंस ये बॉक्सेस जो है वो बना सकते हैं. बस ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है. सो इसी तरह से सेम आप पहले ड्रॉ कर लोगे प्लेन बुक में और फिर उसके बाद प्लेन में और कलरिंग बुक में दोनों बुक्स में आप ये टेक्निक को जो है वो करेंगे. किस तरह से करना है मैं आपको वो अभी बता देती हूँ. सो स्टार्ट करेंगे हम. सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये व्हाइट सर्कल्स छोटे छोटे बने हुए हैं, तो वो हमको कैसे बनाना है. ठीक है, तो वो बनाने के लिए सबसे पहले मैं व्हाइट क्रेयॉन ले लूंगी और ये जो मैंने यहाँ पे लाइन फॉर्म की है इसमें बैकग्राउंड में सबसे पहले मैं ये व्हाइट क्रेयॉन जो है वो फिनिश करूंगी करके इस तरह से. अगर आपके पास व्हाइट कलर क्रेयॉन नहीं है तो आप जो कैंडल्स आते हैं व्हाइट कलर के घर पे होते हैं सबके अवेलेबल, इजीली मिल जाएगा, आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. अगर नहीं है तो ये देखिए बिल्कुल डार्क वाला यहाँ पे आप थोड़ा हाथ को प्रेशराइज करेंगे ताकि यहाँ पे हमें एक डार्क टोन जो है वो मिल जाए इस तरह से. ये देखिए ये फ्लावर को छोड़ देंगे, इसमें फ्लावर में नहीं करना है अभी, ये मैंने इसमें पूरे में एक डार्क टोन वाला जो है मैंने व्हाइट कलर क्रेयॉन अप्लाई कर दिया है. और अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगी, कलर कर दूंगी. आपके पास ब्लू है तो भी चलेगा, पर्पल है तो भी चलेगा, अगर पर्पल नहीं है तो पर्पल कलर बनाने का एक मैं आपको बता देती हूँ. आप पिंक कलर में बिल्कुल थोड़ा सा जो है उसमें ब्लू कलर ऐड करोगे तो आपको पर्पल शेड मिल जाएगा इस तरह से. ये देखिए इसमें मैं ये व्हाइट जहां जहां मैंने किया है उसी एरिया में मैं इसको जो है वो इसके ऊपर कर रही हूं.
अगर आपके पास पर्पल कलर नहीं बन रहा है, नहीं है, तो आप ब्लू कलर भी यूज कर सकते हो, नो वरीज। इस तरह से ये देखिए, ये पूरे के पूरे में हमें ब्लू शेड जो है वो करना है जहाँ पर हमने वाइट क्रेयॉन अप्लाई किया हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल संभाल के फ्लावर्स के अंदर ब्लू शेड नहीं जाना चाहिए। पहले हम फ्लावर्स के साइड्स में जो है ये एक आउटलाइन जैसा हम फॉर्म कर लेंगे ताकि उसके अंदर ये कलर ना चला जाए। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है शेड, जहाँ पर हमने वाइट क्रेयॉन किया था उसके ऊपर हमने ये पूरा इसको कवर कर दिया है। ब्लू और पर्पल जो भी शेड आपके पास है उसी शेड से ये पूरा, फिर हम इसको ड्राई होने देंगे। ये कंप्लीट हो गया एंड नाउ ये पूरा ड्राई होने के बाद जो है इसमें हम आगे का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, उससे पहले हम नहीं कर सकते। ये हम वेट करेंगे ये सूख जाए, तब तक मैं फ्लावर्स का आपको बता दूं, पूरी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ किस तरह से करना है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे ये फोर फ्लावर्स देख रहे हैं, तो इन फ्लावर्स में आप देख रहे हैं दो फ्लावर्स रेड शेड के हैं, एक ऑरेंज है और एक पिंक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो शेड दिख रहा है आप ठीक उसी शेड को यहाँ पे अप्लाई करोगे। लाइक ये फ्लावर में पिंक शेड है, ओके। तो हम पहले क्या करेंगे, इसी वाले फ्लावर में पिंक कलर ही करेंगे पहले बेस में, ओके, जो कि हम क्रेयॉन की हेल्प से करेंगे। तो ये डार्क क्रेयॉन आप ले लेंगे और इस तरह से इसमें ये पूरे फ्लावर में जो है वो आप फिनिश कर दोगे, बिल्कुल डार्क करना है। यहां पर आप जितना चाहे उतना डार्क टोन कर सकते हो, पूरे फ्लावर में पिंक शेड। मतलब जहां पे जो जो कलर्स दिए हुए हैं तो हमें नीचे भी वही कलर पहले अप्लाई करना है, ओके। पिंक ऊपर, अगर हमें सपोज वाटर कलर हमें पिंक लेना है
तो हम बेज में उसके पिंक कलर का क्रियॉन भी यूज करेंगे, ताकि जब हम स्क्रैपिंग करने जाएं तो वो हमें पिक पे पिंक ही दिखे, कोई और शेड नहीं चाहिए। बहुत डार्क करना है। ये देखिए इस तरह से। बिल्कुल ये मैंने डार्क वाला शेड जो है अप्लाई कर दिया है। अगर आपके पास वैक्स कलर है तो आप वो भी यूज कर सकते। ओके सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड हम यहाँ पे शेड लेंगे अभी कौन सा नेक्स्ट, और पिंक हमने किया है तो हम इसके ऊपर भी जो है वो पिंक शेड ही लेंगे, पिंक वाटर कलर। सो ये लेके और इसके ऊपर हमें ये पिंक कलर वाटर कलर जो है वो अप्लाई कर देना है। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा ये डार्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि जब आप स्क्रैपिंग करने जाएंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, या हो सकता है पूरा का पूरा कलर ही निकल सके। ये देखिए ये यहाँ पर हमारा पिंक कलर ऑलमोस्ट हो गया है। सो ये फ्लावर्स का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से इसमें ये शेड्स करने हैं। ये देखिए नाउ अभी हम वेट करेंगे ये सूख जाए, उसके बाद ही हमारी जो है यहाँ पे स्क्रैपिंग कर पाएंगे। ओके एंड इसके सेंटर पोर्शन में जो है वो येलो शेड किया हुआ है, तो हम इसमें येलो कलर ही जो है वो अप्लाई कर लेंगे। सो उसके लिए हम येलो क्रेयॉन जो है आपको पहले ही अंदर की साइड में कर लेना है डार्क बिल्कुल। ओके येलो क्रेयॉन के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया एंड नाउ सो ये यहाँ पर आपने देखा मैंने नीचे के साइड में ब्लू शेड अप्लाई किया है एंड ये फ्लावर में भी मैंने कर लिया। सो नाउ अभी टर्न आती है लीव की। सो मैं आपको एक एक चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, ये डार्क जो ग्रीन वाला लीव है इसमें हम लाइट ग्रीन टोन जो है वो पहले अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम इसमें स्क्रैपिंग करेंगे। स्क्रैपिंग करने के लिए नीचे उसमें बेस जो है वो वैक्स कलर या क्रेयॉन कलर का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वो बिना क्रेयॉन अप्लाई किए आप उसके ऊपर वाटर कलर करोगे तो आपकी स्क्रैपिंग नहीं होगी, फिर आपका पेज जो है वो फट सकता है। सो खाली ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आप कंप्लीट जो है इस पिक्चर को क्रेयॉन शेड से ही करेंगे, उसके बाद आप सेम टोन जो है वाटर कलर का अप्लाई करोगे। ये देखिए मैंने डार्क शेड से जो है बहुत ज़्यादा डार्क यहाँ पे मैंने टोन थोड़ा हाथों को प्रेशराइज किया है इसके ऊपर, फिर मैंने ये ग्रीन शेड किया है। ओके नाउ मैं इसके ऊपर जो है ये ग्रीन कलर का जो है वाटर कलर वो ले लूंगी एंड उसको मैं इसी के ग्रीन के ऊपर ही अप्लाई करूंगी। ये देखिए इस तरह से
तो मैंने ये ग्रीन पत्ते में किया है, सेम वही मैं उसके ऊपर ये डार्क ग्रीन कलर का वाटर कलर जो है वो यहाँ अप्लाई कर लूँगी। ये हो गया, अभी हम इसको भी थोड़ा वेट करेंगे सूखने का। बिना सुखाए आप इसमें स्क्रैपिंग नहीं कर पाओगे, वो नहीं होगा आपसे। एंड अब मैं क्या करूंगी, ये जो कलियां हैं इसकी, इन कलियों में भी मैं येलो कलर पहले अप्लाई कर लूंगी, बिकॉज वहां पे आप देख रहे हैं ऑरेंज शेड थोड़ा किया हुआ है। सो यहाँ पर मैं इसमें पहले डार्क येलो जो है शेड वो अप्लाई कर दूंगी, बहुत ज़्यादा डार्क। ओके, एंड उसके ऊपर से जो है आप इस पर येलो कलर करेंगे। मेरे पास यहाँ पे येलो शेड है नहीं, नियॉन शेड है, सो मैं इसी को ही इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और फिर मैं इसको यहाँ पर सूखने दूंगी इस तरह से। ओके, सो अभी हमारा ये जो हमने पहले किया था वो तो ड्राई हो चुका है। सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आप जो आपके पास पॉइंटेड ब्रशेस होते हैं उसका जो एंड पार्ट होता है, ओके, आप उसकी हेल्प से बहुत अच्छे से आप यहाँ पे स्क्रैपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप टूथपिक्स ले सकते हैं, वो सबके घरों पे अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाएगा। उसकी हेल्प से अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सर्कल सर्कल बने हुए हैं, फाइन। तो ये सर्कल्स हमें यहाँ पे जो है वो बनाने हैं, तो मैं इसके ऊपर, ये ड्राई हो चुका है बहुत अच्छे से, और ये मैं इसमें सर्कल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए किस तरह से आ रहा है, देख लीजिए। ओके, सो पूरा ये कलरिंग होने के बाद आप ये लास्ट में जो है ये इसकी स्क्रैपिंग करेंगे। जरूरी नहीं है सेम साइज के यहाँ पे सर्कल्स आप बनाए, छोटे बड़े होंगे तो भी चलेगा। ये देखिए, तो नीचे आपका प्रॉपर जो है वो होना जरूरी है, क्रेयॉन शेड का बेस। ओके, ये देखिए, इस तरह से आप ये पूरे को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको पूरा एक जो तरीका होता है वो बता दिया है। अभी टर्न आती है फ्लावर की। सो फ्लावर में आप देखिए जिस तरह ये किया हुआ है पिंक शेड, एग्जैक्टली ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। ये यहाँ पे लाइंस बनी हुई है, सो ये एंड पोर्शन से हम यहाँ ले लेंगे। ये देखिए लाइंस, आप टूथपिक लोगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा, ये इस तरह से, ये देखिए हो गई। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है। ये देखिए, फाइन, ठीक इसी तरह से आप अपनी ड्राइंग को जो है वो स्क्रैपिंग करेंगे। टूथपिक लोगे तो आप उससे बहुत इजीली कर पाओगे। ओके, तो ये फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया। लीव की टोन आती है जो कि अभी हमारा सूखा नहीं है। सो इसी तरह से आपको इस पूरी ड्राइंग को जो है वो कंप्लीट करना है। अभी इनमें भी हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो शेड आपको लेना है, एक येलो और एक स्काई ब्लू। सो आप क्या करेंगे, ये देखिए, एक में येलो एक में स्काई ब्लू। तो पहले हम बेस किसका देंगे, क्रेयॉन शेड का, फिर उसके ऊपर जो हम
ये जो कलर्स जो यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं, ये दोनों शेड्स हम ऊपर से वाटर कलर के अप्लाई करेंगे एंड उसको ड्राई होने देंगे, और फिर उसके बाद जो है आप इसको पूरी स्क्रैपिंग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया हो। अभी सपोज आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मैंने इस जो ये कली है इसमें किया हुआ है, तो उसके लिए ये होने के बाद आप क्या करोगे, ग्रीन कलर लेके और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से कंप्लीट करेंगे आप ये एंड में, ये सारी चीजें आप एंड में करोगे। ओके, सो इस तरह से ही आपको ये सारी कलरिंग करनी है। लीव भी अगर ये ड्राई हो गया उसके बाद ही आप जो है इसमें ये सारी जो टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताया किस तरह से स्क्रैप करना है, प्रॉपर ड्राई होने के बाद ही ये आपका अच्छे ढंग से होगा। और ये सेम ड्राइंग आपको प्लेन में भी बनानी है एंड कलरिंग बुक में भी बनानी है। मैंने आपको तरीका बता दिया है यहाँ पे, आई जस्ट होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। सो ये पूरी ड्राइंग आप इसी तरह से आप कंप्लीट कर देंगे जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है। फाइन, थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। वी विल मीट इन और नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन कीप ड्राइंग एंड बी क्रिएटिव। थैंक यू।